फर्स्ट हम समझते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है, राइट। तो फर्स्ट व्हाट इज क्यूब? क्यूब इज इफ अ नंबर इज रिटन इन थ्री टाइम्स एंड मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी एक नंबर, सपोज करो टू, टू को हम थ्री टाइम्स लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटू टू इंटू टू, तो तीन टाइम्स लिखा टू 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 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो क्या करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूब बोलेंगे। मतलब टू टू ज़ा कितना होता है फोर और फोर टू ज़ा एट, तो मतलब टू का क्यूब क्या हुआ एट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूब। और क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब को हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, और व्हेन वी मल्टीप्लाई अ सेम नंबर, ये सेम नंबर है टू 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 राइट, सेम नंबर टू इट्सेल्फ थ्री टाइम्स, तीन टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, हमें क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं क्यूब। एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, तो सिक्स सिक्स ज़ा कितना होता है थर्टी सिक्स, और थर्टी सिक्स ज़ा कितना होता है टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन, मीन्स टू हंड्रेड सिक्सटीन इज़ अ क्यूब ऑफ सिक्स। टू फाइंड द क्यूब ऑफ रैशनल नंबर, फाइंड द क्यूब ऑफ सेवनटीन, ये सब देखना, सेवनटीन का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब क्या होगा, सेवनटीन का क्यूब क्या होगा, सेवनटीन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेवनटीन का क्यूब मिल जाएगा। क्यूब ऑफ माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का देखो अभी तक इधर माइनस में आ गया टर्म, ये पॉजिटिव नंबर था और ये माइनस में आ गया, और ये किस में है, अपॉन में है। तो हम कभी भी याद रखना, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या रहेगा, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो क्या रहेगा, जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ऐसे ही क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, नंबर क्या रहेगा उसका, नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नंबर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सपोज करो मैं इधर सिक्स का मल्टी, सिक्स का क्यूब लेता हूँ तो क्या आएगा, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स राइट, तो सिक्स सिक्स का कितना होता है थर्टी सिक्स, और इंटू सिक्स, और थर्टी सिक्स सिक्स का कितना होता है टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन राइट। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर का हमेशा प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यूब, हाँ क्यूब हमेशा पॉजिटिव आएगा। वैसे अगर मैं सपोज करो माइनस टू का क्यूब लेता हूँ, मैं माइनस टू, अभी माइनस में आ गया देखो, नेगेटिव नंबर है तो माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, तो माइनस टू टू ज़ा कितना होता है फोर होता है राइट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा राइट। फिर एक और एक माइनस टू है राइट, तो फोर टू ज़ा कितना होता है माइनस एट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा इधर माइनस, तो वही बोला है कि माइनस हमेशा नेगेटिव का क्यूब रूट क्या आएगा, नेगेटिव ही नंबर आएगा, और हमेशा पॉजिटिव का क्यूब क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्या है, एक और एक क्यूब ऑफ इवन नंबर, अब ये सिक्स क्या है इवन है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इवन आएगा राइट। वैसे सपोज करो मैं थ्री का लेता हूँ, ये थ्री क्या है, ये एक ऑड नंबर है राइट, तो इसका क्यूब भी क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री राइट, तो थ्री थ्री से कितना होता है नाइन, तो नाइन फिर ये थ्री, तो नाइन थ्री से कितना होता है ट्वेंटी सेवन, और ट्वेंटी सेवन भी क्या है एक ऑड नंबर है, तो मतलब ऑड क्यूब का प्रोडक्ट हमेशा ऑड रहेगा, ऑड क्यूब का हमेशा रिजल्ट हमेशा ऑड मिलेगा, नेगेटिव का नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव मिलेगा, और इवन नंबर का इवन नंबर मिलेगा। समझ में आया। देखो इधर देखो, आप लोगों को डिस्प्ले होगा, वन का क्यूब क्या है वन, टू का क्यूब क्या है एट, थ्री का क्यूब क्या है ट्वेंटी सेवन, फोर का क्यूब क्या है सिक्सटी फोर, फाइव का क्यूब क्या है वन ट्वेंटी फाइव, सिक्स का कितना है टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन, सेवन का कितना है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री, और एट का कितना है फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व, और सेवन का और नाइन का कितना है सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन, और टेन का कितना है थाउजेंड। वैसे इलेवन से लेकर ट्वेंटी तक भी दिया हुआ है। हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है, क्यूब का मिनिमम वन से लेकर टेन तक आप लोग क्यूब याद रखो, क्योंकि यही ज़्यादातर अभी एट में यही वन से लेकर टेन तक ज़्यादा पूछता है। ये तो पूरा किस पे हो गया, क्यूब पे हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, क्यूब रूट। अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा तो हमें क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट होगा वो करना है राइट। तो सपोज करो मैं इधर एक नंबर ले लेता हूँ 216 राइट, तो 216 को हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 216 को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्यूब मिल जाएगा। लेकिन क्यूब रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 216 का क्या आएगा, 2 से होगा ये 2 वन ज़ा, फिर 2 एट ज़ा, फिर 2 फाइव ज़ा, 2 फोर ज़ा, 2 टू ज़ा, 2 सेवन ज़ा 14, 2 वन ज़ा, नहीं ये 27 आ गया तो ये 3 से होगा राइट।
थ्री नाइन ज़ा 27, थ्री थ्री ज़ा थ्री वन ज़ा राइट। ये फैक्टराइजेशन मिला हमें, तो क्या मिला 216 का क्या मिला हमें 2 × 2 × 2 राइट, फिर 3 × 3 × 3 राइट। ये फैक्टराइजेशन हुआ, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है 216 का क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। अभी क्यूब रूट फाइंड करना है तो इधर क्या लिखते हैं हम 3 लिखते हैं, स्क्वायर में नहीं लिखते, स्क्वायर रूट में हम सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, इधर 2 नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि अगर कुछ नहीं है मतलब 2 है, लेकिन क्यूब रूट में हमें 3 लिखना कंपलसरी है। तो इसका क्या मिला हमें, अभी देखो इधर 3 है ना, मतलब हमें इसके कितने पैर बनाने पड़ेंगे 3 के पैर, मतलब ये 3 और ये 3 राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं 216 का क्यूब रूट क्या मिला हमें 2 × इधर क्यूब रूट 2 × 2 फिर 3 × 3 × 3 तो ये 3 के पैर बनेंगे राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब राइट, 3 का क्यूब ये 3 टाइम्स हो गया। अब देखो ये भी 3 है, 3 का क्यूब है और इधर भी 3 है, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा सिर्फ क्यूब के बाहर आके क्या हो जाएगा सिर्फ 2 और 3 रहेगा, तो इधर क्या आएगा 2 × 3 तो 2 × 3 का कितना है 6, तो हमें क्या मिला आंसर 6। 216 का क्यूब रूट क्या मिला हमें 6। तो ऐसे ही हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है।